दुर्ग में राज्य स्तरीय बौद्ध मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम बौद्ध समाज की ओर से हर वर्ष मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बौद्ध समाज के वरिष्ठ नागरिकों ने कार्यक्रम को लेकर मीडिया को इस तरह की जानकारी दी। यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले जो उपासक उपासिका हैं, उन्होंने इस भूमि को, अगल बगल के भूमि को लेकर जो 12 वर्ष पहले संस्था खोला, उसमें से विहार बनाया, जो विहार बनने के पश्चात 12 साल हो गए, उस उपलक्ष्य में आज यहाँ 12 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम बुद्ध मेड़ावा का आयोजन किया गया है। बड़े लोगों का जो मेहनत है, आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त, इस हालत में आज विशेष करके धर्म के मामले में लोगों की रुचि दिनों दिन कम होते जा रही है, तो आपके नज़र के सामने है ये यहाँ के संस्था के लोगों की मेहनत के कारण जो यहाँ माहौल बना है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए, लोगों के जीवन में मैत्री निर्माण हो, लोगों के जीवन में समता निर्माण हो, लोगों के इस जीवन में बंधुत्व निर्माण हो, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ उपदेश है, बुद्ध ने दिया हुआ मैत्री का उपदेश है, इसको लेकर यहाँ जो इस संस्था से, इस भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब तन मन धन की मेहनत कर रहे हैं। सभी को साधुवाद देता हूँ और हर वर्ष ऐसे काम चलते रहे, ये आशा भी करता हूँ। राज्य स्तरीय बुद्ध मेला एवं स्थापना दिवस समारोह ये कंटिन्यूस 12 साल से चल रहा है। इस विहार को बने 12 साल हो गए और उसी के विहार के उपलक्ष्य में, स्थापना के दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होता है हर साल। और आज जो कार्यक्रम हुआ है, माननीय अंतर्राष्ट्रीय मानके भंते जी के द्वारा धम्म देशना दी गई और भी नौ भिक्खु संघ आए थे, धम्मचारिका की गई और अभी रात में कव्वाली का भव्य प्रोग्राम होगा। अभी बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे कार्यक्रम चलते रहेगा और हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है। राज्य स्तरीय बुद्ध मेला है, ये महाराष्ट्र से और पूरे छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। राजनांदगांव, डोंगरगढ़, भाटापारा, आमगांव, बालाघाट। ये राज्य स्तरीय बुद्ध मेला और पंचशील बौद्ध विहार का स्थापना दिवस का समारोह है। ये 12वां वर्ष है। यह श्रमिक बस्ती है, यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं बीड़ी बनाने वाले या डेली वेजेस में काम करने वाले हैं, वो लोग अपनी छोटी छोटी सी पैसा जुगाड़ करके किसी तरह उन्होंने विहार बनाया और उस विहार बनाने के दिन को लगातार लोगों को ध्यान में रहे करके हर वर्ष स्थापना दिवस भी बनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे ये कार्यक्रम बहुत राज्य स्तरीय हो गया और सारे राज्य से, महाराष्ट्र से, दूसरे जगह से भी अब लोग आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह इस साल, तो बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि कोविड के 2 साल तक प्रोग्राम नहीं हो पाया था, तो इस साल लोगों में बहुत उत्साह है। और हमारे आदरणीय भंते जी लोग ने आज जो हमें ज्ञान के दी, शिक्षा दी है, वो हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। समस्त भीम परिवार को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चले, हमें युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है और बाबा साहेब के संविधान को माने।